नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल PS अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रही है। ये महामारी चीन से शुरू हुई, उसके बाद यूरोपीय देशों में पहुंची, भारत में आई, अमेरिका पहुंची और आज की तारीख तक लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस महामारी से मारे जा चुके हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो दुनिया अभी इसको कह रही है वो ये कि कहीं ये चीन की चाल तो नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक मैं अपनी राय रखूँ तो ये चीन की ही चाल है, क्योंकि चीन में हम देखें तो 82,000 लोगों के आसपास ही वहाँ पर इन्फेक्टेड हुए और बहुत कम मौतें चीन में रिकॉर्ड की गई। या तो ये पूरे तरीके से उसकी चाल है या फिर वो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को छुपाकर बता रहा है। हम यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो यूरोपियन देश हैं, जो दुनिया में सबसे विकसित देश हैं, अग्रणी देश हैं, आज उनकी भी जो अग्रिम चौकी है स्वास्थ्य के क्षेत्र की, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी इससे पीछे नहीं है और अमेरिका में भी बहुत बड़ी आफत इस समय आई हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट वही बना हुआ है। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने है वो ये कि अभी तक लगभग 4,500 के आसपास कोरोना के मामले आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो चुकी है और ये सब चीज़ें आप जान भी चुके हो। मैं आपको आज के वीडियो से ये नहीं बताने वाला हूँ कि कोरोना क्या है, कोरोना क्या है, कोरोना क्या है। मैं कोरोना पर 1% भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि पूरा देश की जो समाचार एजेंसियां हैं वो इसी मामले में लगी हुई हैं। मैं सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से इस मैसेज को आपको देना चाहता हूं कि कोरोना तो ठीक है, एक महामारी के रूप में आया है, एक बुरे दिन के रूप में आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें किस तरीके से रिएक्ट करना होगा। जिस तरीके से आज दुनिया घूम रही है, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, क्या इसी तरीके से हम लोग फिर से चलेंगे? तो अगर दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप चलेंगे तो जैसे आप अभी घर बैठे हैं वैसे आप घर में ही बैठे रहेंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको अपना जीवन बदलना है तो हमें कुछ करना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से अब संभलना होगा। अभी तक आप पूरे सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर होता यह है कि चीन में ये महामारी फैली और इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर एक तरह का ब्रेक लग गया और अभी भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अपने घरों में दुखी बैठी हैं, चलने को तैयार नज़र नहीं आती हैं। ये बीमारी कम से कम 3 महीने और इस तरह की समस्या को क्रिएट करेगा, तो हमें क्या करना है? दोस्तों, हमारे सामने ये 3 महीने हैं, ये महीने हैं जिनके दौरान हम अपने जो सामर्थ्य है उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। हम लोग घर में न बैठें बल्कि हम लोग घर में बैठकर ही बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहली बात और जो अच्छी पते की बात कहूँगा वो ये कि हमें इन दिनों के दौरान अपना स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस पूरी बीमारी के निकल जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें बहुत सारी जॉब्स होंगी और बहुत सारी जॉब्स नहीं होंगी। तो जो होंगी उनके लिए हमको तैयार होना है और जो नहीं होंगी उनका रोना हमको उस टाइम नहीं रोना है, क्योंकि होने वाला यही है कि करीबन 13 करोड़ जो नौकरियां भारत में हैं उन नौकरियों पर अभी संकट के बादल हैं। वे नौकरियां या तो रहेंगी या इनमें से बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी। ऐसी संभावना हमारे देश के जो पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, उनने भी व्यक्त की है और ऐसी चीज़ें हमारे भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, IT सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होने लगा है। तो इसी के साथ साथ हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि कुछ नौकरियाँ जाने वाली हैं। तो जो नौकरियां जाने वाली हैं उनकी हमको पहचान करनी है। उनकी पहचान का मतलब कि ऐसी छोटी नौकरियां जो वर्क फ्रॉम होम से भी की जा सकती हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगी। IT सेक्टर का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हमें इन दिनों में अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने जो अपना पूरा एक हॉल बनाया हुआ है, उससे बाहर निकलना होगा। कुछ नई स्किल हमको सीखनी पड़ेंगी ताकि दुनिया के सामने हम जब इस बीमारी से निकल जाएं तो हम अपने आप को नया और नए ढंग में प्रस्तुत कर सकें। दूसरी बात कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को, जो अभी डूबने की कगार पर हमको दिख रही है, उसे एक सहारा इसी तरीके से देना पड़ेगा। जैसा कि आज ये खबर है कि G20 के सदस्य देशों में सबसे पहले जो ग्रोथ करेगी अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था होगी भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ कहने से ग्रोथ नहीं करेगी, ये आपके और हमारे काम करने से ही ग्रोथ करने वाली है। तो इसके लिए हमको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगी। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग अगर ये ठान लें कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है तो वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ग्रो करेगी। सरकार इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। सरकार अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारा धन अर्थव्यवस्था में उसने डाला भी है। लेकिन इस धन को डालने से तो कुछ होगा नहीं, धन को डालने के साथ साथ इसका जो रोटेशन है उसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो धन का जो रोटेशन क्रिएट होगा वो कब क्रिएट होगा? जब हम वर्क में होंगे,
जब हम लोग काम पर होंगे। और हम लोग काम पर कब होंगे? जब हम नई स्किल के साथ वापस से काम करने जाएंगे। जैसा कि नोटबंदी में हुआ था 2016 और 17 के वर्षों में कि बहुत सारे जो छोटे मोटे जॉब थे और उनको करने वाले जो लोग थे वो सभी आज घर बैठे, उन सभी के धंधे चौपट हो गए। वो तो एक छोटा सा सिनेरियो था, लेकिन आज तो दुनिया भर में लॉकडाउन है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं। तो इन सब के बीच आप कैसे समझते हैं? आज इन सब के बीच हमें बस ये समझना है कि आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उन पर हमको काम करना है। ये चुनौतियाँ दोस्तों बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं और हमें इनसे निकलना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें अभी आपको चुनौती बताई है, लेकिन उस वीडियो में मैं आपको इस चुनौती से लड़ने के जो उपाय होंगे या उन सेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो रहेंगे और जो नहीं रहेंगे। तो जो रहेंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो नहीं रहेंगे उनमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है उसको हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। घबराने की जरूरत है नहीं, कोरोना है, घर में रहें, सेफ रहें और अपने आप को अपडेट करते चलें। धन्यवाद।